हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टडी में। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फायर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जब आग लगती है तो उस पर काबू पाना पहली प्राथमिकता होती है, नहीं तो ये हमारे जान माल की क्षति पहुँचाने के लिए काफ़ी है। जब हम किसी कंपनी में कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ आग लगने के पश्चात केवल पानी का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि आमतौर पर हर जगह किया जाता है। वहाँ आग से निपटने के लिए बहुत सारे फायर एक्सटिंग्यूशर के अलावा और भी सारे संसाधन होते हैं, जिसे आग लगने के पश्चात बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसी भी फैक्ट्री के अंदर जब आग लगती है तो आग लगने के बहुत सारे कारण होते हैं और उस पर काबू पाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जिस तरह की आग होती है उसी तरह के उसके कैटेगरी के अनुसार उस पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आग कितने प्रकार की होती है और उसको हम कैसे जानेंगे कि ये आग कौन से क्लास की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार फायर 6 प्रकार की होती है, तो चलिए हम उनके क्लासेस के अनुसार समझते हैं। और जो 6 क्लासेस की फायर होती हैं उनमें है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि क्लास ए कौन सी आग होती है और उसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास ए, जो कम्बस्टिबल मटेरियल या सॉलिड फायर भी बोलते हैं उसको, अगर उसमें आग लगी होगी, जैसे एग्जांपल में बात करें, जैसे रबर में आग लगी हुई है, किसी लकड़ी में आग लगी हुई है, पेपर में आग लगी हुई है, तो उसको सॉलिड फायर क्लास ए के उस तरह की आग को क्लास ए की आग कहते हैं। दूसरा बात करते हैं क्लास बी। क्लास बी में आते हैं जो भी हमारे फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, जो लीक चलने वाले लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ग्रीस हो गया, पेंट हो गया, आदि बहुत तरह के लिक्विड्स होते हैं जो फ्लेमेबल होते हैं, तो उनको हम क्लास बी की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लास सी की। जो भी हमारे फ्लेमेबल गैसें होती हैं, जलने वाली गैसें, जैसे अमोनिया, ब्यूटेन, मीथेन आदि जो गैसें होती हैं, वो हम क्लास सी की श्रेणी में रखते हैं। क्लास डी की जो आग होती है वो कम्बस्टिबल मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं जलने वाले, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम आदि जो मेटल्स हैं, वो उनमें अगर जब आग लगती है तो उनको क्लास डी की आग बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्लास ई, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मतलब कि जो हमारे बिजली के उपकरण होते हैं जो कि लाइव होते हैं, जिनमें कि बिजली के कनेक्शन होते हैं, बिजली का कनेक्शन काटा नहीं गया होता है, उस तरह की जब आग लगती है तो उसको क्लास ई की आग कहते हैं। जैसे हमारा जनरेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, जिसमें कि हमारी पावर की सप्लाई रहती है, उसमें उसको हम क्लास ई की आग कहते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारा है वो है क्लास एफ़ की आग। अब जो क्लास एफ़ की आग होती है वो हमारे जैसे किचन में जो आग लगती है, किचन में आग लगने के बाद जो हमारा कुकिंग ऑयल रहता है, फैट्स रहते हैं, तो उसमें अगर आग लग जाती है तो उस आग को क्लास एफ़ की फायर कहते हैं। तो चलिए अब हम जान गए हैं कि हमारी आग कितने टाइप की होती है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि वो कौन से क्लास की आग है। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।